आज पहुंची है आसोदा गांव में, जहां पर किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हम किसानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ताऊ जी। नमस्कार। ताऊ जी, जिस तरह से लगभग पिछले 10 या 11 दिन से जो किसान है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, लेकिन सरकार जो है वो तस से मस नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, सरकार को जो है किसानों की मांग माननी चाहिए, हम किसानों के साथ हैं। जी, जिस तरह से जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर बार बार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब तक जो है 10 से 11 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उनके परिवार के सामने बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, क्या सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए? भाई, सरकार को लेना चाहिए, पर हम भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और हम इससे पीछे नहीं झुकेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। अंकल जी, जिस तरह से आर्थिक मदद सरकार दे पाएगी, लेकिन क्या जो व्यक्ति गए हैं जिस परिवार से, उनकी कमी कैसे पूरी हो पाएगी? भाई, कमी तो हम पूरी कैसे करेंगे, मगर उनकी मदद करने के लिए परिवार की हम हर कोशिश पूरी करेंगे। सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? हम सरकार को चाहते हैं कि जो किसानों की मांग उसको पूरी करें। लेकिन अब तक ताऊ जी वो जो है बार बार आश्वासन देते हैं, अब तक सफल क्यों नहीं हो पाए निर्णय लेने? भाई, ये सफल नहीं हो पाया तो जब तक ये पूरा सफल नहीं होगा हम पीछे हटेंगे नहीं। आप ही बताओ जी। भाई, पंजाब ये गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया किसान भाइयों का जी, ये इसको वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट को, किसान वापस नहीं हटेंगे, इसकी मांग को पूरी ले देंगे। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि ये तीनों कानून जो बनाए हैं ये किसान हित के लिए है। नहीं, किसान हित के लिए नहीं। क्या कमी करते हैं अंकल जी इसमें? हम अपना नाज है वो पहले की तरह नहीं बेच सकते जी, ये इन्हें हमारी ब्रांड मट्टी कर दी भाई साहब, खराब मट्टी कर दी, हमारा नाज नहीं बिक रहा, मंडी में जाते हैं बड़े रहते हैं, 800-700 रुपये डाउन रेट कर दिया जी। मंचा जमींदार का ब्रांड मट्टी जो दलाल हैं आड़ते हैं, वे गवर्नमेंट के साथ मिल रहे हैं और बात कर दिए किसान सारे। शुरुआत में किसान जो अपनी प्रॉब्लम जो बता रहे थे वो MSP को लेकर प्रॉब्लम बता रहे थे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसानों ने अचानक जो हल्ला बोल दिया? ये जो MS बढ़ा था ये किसानों के हित का नहीं है जी, ये नुकसान हो रहा है किसान के, इसलिए इसका हम अपना पूरा मुद्दा लेके इसको वापस लेना चाहते हैं।